फतेहपुर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में बिन फॉर्म 12 डी कोविड संक्रमित मरीज मतदान नहीं कर पाएंगे। वही फॉर्म 12 डी भरने की अंतिम तिथि भी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 6 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जो निकल चुकी है। ऐसे में जो लोग हाल ही में कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए हैं, मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक असक्षम कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 12 डी फॉर्म भरकर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाने की व्यवस्था की है। पोस्टल बैलेट की गणना इन सर्विस पोस्टल बैलेट के साथ ही की जाएगी। उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्यकर्मी आंगनबाड़ी कर्मी तैनात होंगे, जो थर्मल स्कैनिंग मास्क देने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा ईवीएम प्रेस करने के लिए मतदाता को दस्ताने दिए जाएंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जो गाइडलाइंस थी उसमें जो 80 ईयर से ऊपर के लोग थे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज थे या जिनको उस समय कोविड था, उनके लिए अपना ये डायरेक्शंस दी गई थी कि उनके 12 डी फॉर्म्स जो हैं वो भरवा के अपना जो रिटर्निंग ऑफिसर फतेहपुर हैं, एसडीएम फतेहपुर, उनके कार्यालय में जमा करवाए जाएँ। और इसके लिए जो सभी बीएलओज हैं उनको ट्रेन भी किया गया था, और उनके जो उनको सभी को 12 डी फॉर्म्स पर्याप्त मात्रा में भी दिए गए थे। तो 6 अक्टूबर तक जो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके अनुसार 493 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए अपना आवेदन किया था, और उनकी जो 22 तारीख से 22 अक्टूबर से पिछले 2-3 दिनों से जो फील्ड के अंदर हमारी टीम्स जा रही हैं, और जो पोस्टल बैलेट्स हैं जिन लोगों ने अपना 12 डी का फॉर्म भरा है और 12 डी का फॉर्म सही भरा है, वो लगभग 370 ऐसे लोग हैं, और उनके जो पोस्टल बैलेट है उनके घरों में जाके भरवाया जा रहा है। और इसकी जो काउंटिंग है वो 2 तारीख को जो हमारा बाकी पोस्टल बैलेट है जो इन सर्विस वोटर्स के लिए होता है, उसके साथ ही इसकी जो मतगणना है वो की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल है उसकी उसको सुनिश्चित करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जिसके अंदर एक स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी होंगे और एक आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और वो जो निर्धारित सभी चीज़ें हैं जैसे जो स्कैन, थर्मल स्कैनिंग जिससे टेम्परेचर देखा जाना है वोटर का, और साथ ही साथ यदि किसी ने मास्क नहीं पहना हो उसको मास्क उपलब्ध करवाना, सैनिटाइजेशन करवाना, और जो ईवीएम प्रेस करना है एक्चुअल एक वोटर ने, उसके लिए भी एक जो दस्ताना है हर वोटर को दिया जाएगा, उन सब की व्यवस्था उस कोविड हेल्प डेस्क के ऊपर रहेगी, ताकि वहाँ पर जो संक्रमण का खतरा है उसको हम कम से कम कर सकें। देखिए, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके जो गाइडलाइंस के अनुसार 12 डी फॉर्म भरने की एक निर्धारित तिथि ही थी, और वो अब तिथि क्लोज हो चुकी है, और अब जो लोग 12 डी के माध्यम से करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाए।